we are going to learn our first chapter of 6th standard subject social science, and our first chapter name is source of history. So think about that, what is the meaning of source? The source means the elements and particles which are and by which you can know about your history and by which you can collect the information, and from this you can understand the information very easily and in a smoothly manner. So in first, there is a source of history. So which are included in our sources? So to start this, first of all, you all you know that early in the morning you all receive a newspaper. Anytime you think that why this newspaper use, what is the use of this newspaper? So throughout this newspaper you became aware of daily events or incidents. You became very aware by the social media and throughout the information of your country, and you also collect the information of outside of the countries. But after some time this information became your past and you forget it. But when the time pass on, when the same type of incidents occur in your life, you remember the same type of incidents again and you recall your date and time. जब कोई इंसिडेंट्स आपके सामने होता है या फिर इवेंट्स आपके सामने अगर रियलाइज होता है तो आप कुछ समय के बाद उसको आप भूल जाते हैं। लेकिन जब सेम टाइप का इंसिडेंट्स अगर आपकी लाइफ में हो तो आपको जो पहले वाला इंसिडेंट्स है वो आपको फिर से याद आता है। The information given in the photographs help you to understand this more easily. अगर फोटोग्राफ्स इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपको फोटोग्राफ्स भी प्रोवाइड किए जाए तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफी इजीली समझ सकते हो। सो देयर आर सम सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री इन विच द फर्स्ट वन इज अ सील या फिर एन आइडल, पेंटिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। The all the elements which connected with ancient times, this help you know to our history. जैसे कि painting से या फिर ornaments से, अगर कोई पुराने documents हो, stepwell है, पुराने buildings हो, ये सारी चीजें आपको help करती है हमारी history जानने के लिए। Remember that to understand the present situation, first of all you have to know about the past. अगर आपको present की situation समझनी है तो सबसे पहले आपके पास past की information होना काफी जरूरी है। Past के जो भी events है या फिर incidents है वो आपको पहले जानने चाहिए, उसकी information collect करनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी present situation है उसको control कर सकते हो, या फिर present और past का जानने के बाद आप future भी accumulate कर सकते हो। As you know that there are some people in your life who have fond of to collect or to make a book or to collect stamps or photographs, articles, coins, etc. from magazine, newspaper or from their family members. आपके लाइफ में ऐसे पर्सन होंगे जिसको मतलब पुरानी चीजें कलेक्ट करने का शौक होगा, या तो वो पेंटिंग्स कलेक्ट करते हैं या फिर वो पुराने जो कॉइन्स है, जो सिक्के है उसको कलेक्ट करते हैं, या अपने फैमिली मेंबर से या फिर मैगजीन न्यूज़पेपर में से किसी भी तरह से। ये सारी चीजें कलेक्ट करके वो जो रिलेवेंट जो हिस्ट्री है वो उसको बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, योर इज वन एक्टिविटी बाय विच यू कैन ऑल्सो नो योर हिस्ट्री एंड यू कैन नो अबाउट योर विलेज, टाउन और द एरिया वेर एवर यू लिविंग, और यू कैन ऑल्सो नो अबाउट योर फैमिली मोर डीपली। सो व्हाट इज द एक्टिविटी? मेक अ स्क्रैपबुक ऑफ फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स, पेंटिंग्स। एक स्क्रैपबुक बनानी है, आप पेंटिंग्स की बना सकते हो, फोटोग्राफ्स की या फिर आर्टिकल्स भी बना सकते हो। किसी भी एक टॉपिक आपको चूज करना है और आपको एक स्क्रैपबुक बनानी है। देन यूज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स कलेक्ट आप कहाँ से कलेक्ट करोगे? तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन यूज कर सकते हो। एंड फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन, इफ यू आर नॉट गेटिंग न्यूज़पेपर
or magazine. Then go to the library and collect your information, collect your photographs and articles. Then next, सारे फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स कलेक्ट करने के बाद अगर आपको आपके विलेज या फिर टाउन के बारे में जानना है तो पहले तो आपके टॉपिक रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करोगे. तो फर्स्ट वन, इफ यू वांट टू नो अबाउट योर विलेज, टाउन और लिविंग एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन दैट व्हिच इज ऑलवेज फ्री ऑफ योर विलेज, टाउन और द एरिया वेयर वर यू लिविंग. जहाँ पर भी आप रहते हो या फिर आपका गांव या फिर जो टाउन है वहां पर सबसे पुराना जो पेड़ है वो कौन सा है उसके बारे में जानो, कलेक्ट करो और उसकी इंफॉर्मेशन आपको जानो थ्रू आउट फोटोग्राफ और थ्रू आउट रिटर्न डाउन मैनर. रिटर्न डाउन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो या फिर फोटोग्राफ्स करो या फिर लिसनिंग पावर इट मीन्स की किसी से पूछकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. देन योर सेकंड क्वेश्चन इज Which is oldest building of your village? आपका जो विलेज है वहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है, वो बिल्डिंग है या फिर मॉन्यूमेंट, टेम्पल्स, कुछ भी हो सकता है. और ऐसा नहीं बिल्डिंग मतलब कि ये घर या फिर मकान, अपार्टमेंट, नो. बिल्डिंग मीन्स कि ऐसा मॉन्यूमेंट या फिर ऐसी कोई चीज जो कि एंशियंट टाइम में बनी हो या फिर जो काफी पुरानी हो. देन लास्ट वन, Whom you collect the information? ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप किससे पूछोगे. अगर आप यूथ को पूछोगे या फिर जो मॉडर्न जनरेशन से पूछोगे तो शायद आपको जो इंफॉर्मेशन है वो उतनी ज्यादा ना मिले. सो फॉर दिस यू हैव टू आस्क दिस ऑल क्वेश्चन टू ऑल पर्सन, मतलब ये जो वहां पर काफी लंबे समय से रहता हो या फिर जो जिसकी उम्र ज्यादा हो, क्योंकि वो वहां पर जो जनरेशन गए थे वो उससे वहां पर ज्यादा जिए. तो अगर कोई ऐसा पर्सन हो तो आप उसको ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल सोर्सेस. आफ्टर कम्प्लीटिंग द एक्टिविटी इन विच वी सो दैट यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स और आर्टिकल्स फ्रॉम योर विलेज, टाउन और लिविंग एरिया. Now we are going on our next topic. As you know that some people who are collecting the paintings, coins, stamps, wherever, this information are passed to us by a million of times. जितनी भी information जो हमारे तक पहुंचती है वो बहुत लंबे समय के बाद या फिर बहुत सारे जो years से generation से उसको पार करने के बाद ये सारी information है वो हमारे तक पहुंचते. ये जो ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो काफी कीमती और जरूरी है. नाउ नेक्स्ट, हियर इज अ क्वेश्चन और अ टॉपिक दैट अ मिलेनियम गैलरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिलेनियम गैलरी और व्हाई दिस टाइम और दिस पीरियड नोन एज मिलेनियम गैलरी. एक जो टाइम था दिसंबर 2000 जहां पर जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में इंसिडेंट्स या फिर इवेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स को पब्लिश किए. न्यूज़पेपर में काफी सारे फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स होने की वजह से ये जो टाइम था वो काफी फेमस हुआ मिलेनियम गैलरी के नाम से. इन दिसंबर 2000 मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर हैड पब्लिश्ड फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इवेंट्स और इंसिडेंट्स एंड व्हिच इज बिकम वेरी फेमस एज मिलेनियम गैलरी. As you know that our history is very ancient. हमारी जो हिस्ट्री वो काफी पुरानी है और maybe you know the information related to the 20th century, but to know the earlier time you have to know or you have to read out the information. And for this maybe you are eager to know that in ancient times which type of the clothes they wore, which type of the food they eat, which type of the houses they live and which type of the daily routine activities. आप शायद ये जानने के लिए काफी उत्सुक भी होंगे, इगो होंगे कि उस टाइम पे जो भी लोग थे वो कैसे कपड़े पहनते थे या फिर वो किस तरह के खाने खाते थे या फिर वो कैसे घर में रहते थे या फिर उनकी जो डेली एक्टिविटीज थी, उनका जो प्रोफेशन था वो कैसे रहता था.
फॉर दिस यू हैव टू नो अबाउट फोर रिन्यूएबल सोर्सेज। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमको हमारे इन स्टैंडर्ड में फोर रिन्यूएबल सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, इन विच द फर्स्ट रिन्यूएबल सोर्सेज इज पेट्रोगैस, देन और सेकंड रिन्यूएबल सोर्सेज इज पोस्टपत्रास, एंड और थर्ड रिन्यूएबल सोर्सेज इज इंस्क्रिप्शंस, एंड फोर्थ वन इज बेसिक्स ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स। दिस ऑल द रिन्यूएबल सोर्सेज बाय विच वी कैन नो अवर हिस्ट्री वेरी डीपली। एंड ये जो भी जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज है उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हम हमारी जो हिस्ट्री है उसको डीपली हम जान सकते। सो आफ्टर नोइंग द फोर रिन्यूएबल सोर्सेज, देट तालपत्रास, सेकंड पोस्टपत्रास, थर्ड वन इज इंस्क्रिप्शन, एंड लास्ट वन इज ऑर्नामेंट्स, वेसल्स एंड यूटेंसिल्स, आफ्टर दिस we are going to learn all this topic or all these sources of history in deeply, in which the first point is talpatras. So first of all, what is the meaning of talpatras? So talpatras is a one type of written form which is known as manuscripts and Brahmi scripts. Normally talpatras are made from skin of a palm tree and which is normally found in a mountainous or in a forest area. Then this one is a written in a Prakrit language. And now our second topic is Bhojpatras. So what is Bhojpatras? So Bhojpatras are also known as manuscripts written in a Brahmi or in a Prakrit language. And Bhojpatras are made from the skin of a Bhoj tree. Normally Bhojpatras are found in Himalayan areas or in a mountainous areas. So these are the definition of talpatras and Bhojpatras. These talpatras and Bhojpatras are that time used by a pandit, sects or a priest to write their suktas and mantras. But now a time most of the Bhojpatras and talpatras are destroyed by insects. As you know that talpatras and Bhojpatras made from the skin of a tree, and because of this one or this all are destroyed by insects. But some of these still preserved in museum, viharas, temples or in a government libraries. तालपत्रास और भोजपत्रास जो कि खाल में से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं वो उनको खा जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उसमें से जो कुछ भोजपत्रास और तालपत्रास है वो अभी के समय में भी कुछ जगह पर प्रिजर्व किए गए हैं, रखे गए हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज है, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज है, टेम्पल्स है जिसके पास कॉपीराइट है, उसके अलावा जो बिहार से म्यूजियम है एक्सेट्रा। सो दिस वन आर द प्लेसेस हु प्रिजर्व तालपत्रास एंड भोजपत्रास विच आर अवर रिलेबल सोर्सेज। सो हियर आफ्टर गेटिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट तालपत्रास एंड भोजपत्रास एंड वेयर दिस तालपत्रास एंड भोजपत्रास फाउंड, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन इंस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? So inscription is a written down or a carving method which one was attempt on stone or a metal. It means a carving on stone or metal is known as inscription. Inscription मतलब कि पत्थर पे आप जो भी carving करते हो या फिर जो भी आप लिखते हो उसको हम बोलते हैं inscriptions. कभी आपको ये ख्याल आया कि लोग inscription क्यों करते थे? Inscription which is a normal meaning like a शिलालेख. Then why they use these inscriptions? Because in ancient times kings had achieved some increments or events, or to write down there the most specialized events or incidents they mostly use inscriptions. पहले के समय में जो भी राजा थे वो अपने जो अचीवमेंट्स थे या फिर उनकी अगर उन्होंने कोई विक्ट्री की है या फिर जो स्पेशल जो मोमेंट्स थे जो मेमोरीज थे या फिर अगर कोई जो राजा है वो अगर
अपने कोई ऑर्डर जो भी पास करता है या फिर अपने जो टैक्टिक्स है दूसरे स्टेट के साथ, वो सारे वो लिखने के लिए वो इंस्क्रिप्शंस यूज करते थे जो कि वो पत्थर पे लिख देते, क्योंकि तारपत्रास और भोजपत्रास इंसेक्ट्स के द्वारा डिस्ट्रॉय होने लगते थे, इसीलिए उन्होंने पत्थर को यूज किया ताकि वो उसको लंबे समय तक रख सके, ताकि उनकी जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनकी जो जनरेशन है, वो उसको जान सके, वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। एंड फॉर दिस रीजन दे यूज इंस्क्रिप्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज ताम्रपत्रास। सो व्हाट इज ताम्रपत्रास? सो ताम्रपत्र इज ऑल्सो अ कार्विंग मेथड, बट दिस वन इज अटेम्प्ट ऑन अ कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट के ऊपर जो हम लिखते हैं, जो हम कार्विंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं ताम्रपत्र। नॉर्मली कॉपर इज ऑल्सो यूज एज दैट टाइम टू मेकिंग और टू अमाइंटिंग अ कॉइन। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्चीव्स। जितने भी तारपत्रास है, पुष्पत्रास है, इंस्क्रिप्शन है या फिर द सोर्सेज विच वन आर रिलेटेड टू द एंशियंट टाइम्स ऑफ आवर हिस्ट्री प्रिजर्व एंड स्टोर एट अ वन प्लेस एंड दिस प्लेस इज नोन एज ए आर्चीव्स। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप हमारी जो हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेज है, आप उसको अगर वहां पे स्टोर कर सको, तो उस जगह को हम कहते हैं आर्चीव्स। A place where you can store a historical records, जहाँ पर आपको जितने भी historical records है वो मिलेंगे। Archives and museum कहीं ना कहीं दोनों सेम है, लेकिन म्यूजियम में हम जितने भी यूनिक चीजें है वो स्टोर करते हैं, लेकिन archives में हम सिर्फ historical records ही स्टोर करते हैं। इंडिया में भी एक archives है जो कि नेशनल आर्चीव्स जो दिल्ली में लोकेटेड है। सो टुडे एंड दिस टॉपिक वी लर्न दैट इंस्क्रिप्शंस आर्चीव्स वेयर दिस ऑल टाइप ऑफ द सोर्सेज रिकॉर्डेड एंड इनटू द लास्ट वी लर्न दैट अ ताम्रपत्रास मींस अ कार्विंग मेथड ऑन कॉपर प्लेट। नाउ नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द ऑर्नामेंट्स वेसल्स एंड यूटेंसिल्स। सो into the last, after understanding the three reliable sources, our last reliable sources is ornament, vessels and utensils. These are also sources by which we came to know and our history would be existence. Then, what is the fourth reliable sources? So, during excavation, tools found like expert paintings, utensils, ornaments used to know our history. Excavation के समय में utensils, stone, tools and ancient ornaments are found, which is help us to know the history of ancient time. Excavation मतलब कि जो खुदाई काम है उस समय में जितने भी paintings, ornaments या फिर जो utensils जो कि हमें मिले हैं, ये हमें हेल्प करती है एंशियंट टाइम की हिस्ट्री जानने के लिए। नाउ द आर्कियोलॉजिस्ट हु इज द पर्सन हु फाउंड आउट और सर्च आउट आवर हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्कियोलॉजिस्ट वी केन टू ऑल्सो फाउंड आउट अ हिस्ट्री ऑफ अवर विलेज और एरिया बाय यूजिंग द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, तारपत्रास और रिलेबल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिस्ट जो एक पर्सन है जो हमारी जो हिस्ट्री है उसको सर्च आउट करता है और हमारे तक नेशनल और लोकल पीपल तक उसको प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ हम भी जो हमारी हिस्ट्री है उसको सर्च आउट कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपके गांव की हो जहाँ पे आप रह रहे हो या फिर आपकी स्कूल की, कहीं की भी आप हिस्ट्री सर्च आउट कर सकती हो। उसके लिए आप ओल्ड बिल्डिंग हिस्ट्री उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो या फिर इंस्क्रिप्शन यूज करो और यूज द एंशियंट सोर्सेज एंड यूज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिलेबल सोर्सेज। थ्रू आउट ऑल दीज सोर्सेज हेल्प्स यू टू नो आवर हिस्ट्री वेरी इजीली। एंड इनटू द लास्ट वी रियलाइज दैट इन टुडेज टॉपिक वी लर्न द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, रिलेबल सोर्सेज,
Millennium Galleries. And now into the next and the last topic of that, which are the four institutes where our source of history, it means the Talpatras and Bhojpatras, are still preserved. To use these Talpatras and Bhojpatras, we can know out the history of ancient times. After knowing out our four reliable sources, now there is a one institution where these four reliable sources are stored at a preserve, in which our first institution was Shri Hemchandracharya Library, which is located in Patan, North Gujarat. This is the institution where the Talpatras and Bhojpatras are still preserved. Now, next university, next institution is Indian Institution of Indology, which is located in Nawalpura, Ahmedabad. जो कि अहमदाबाद में नवरंगपुरा में located है, second university. Now, third institution is Tricolor Museum, Gujarat Vidyapeeth, which is located in Ahmedabad. And the last and fourth one, Mahavir Jain Aradhana Kendra, which is located in Goa, Gandhinagar. These four institutions help us to know about the information related to the Talpatras and Bhojpatras. Now next, there are one activity by which you can also find out your history related to your area. In which the first question is, which sources will you use to know 100 years old history? अगर 100 साल पहले जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए आप कौन से सोर्सेस यूज कर सकते हो? Maybe you use the written down formers or storytellers or in from the libraries or from the old person by using the source of history. Then second one, how is it possible to get the historical information from people like storytellers, chronologists and travelers? Normally हम history जानने के लिए sources use करते हैं, then we also use the information which is written by archaeologists. Then ये सारे person और written down information collect करने के बाद हम जो storytellers से, मतलब कि वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ उनसे कहानियाँ या फिर उनसे information collect करना, या फिर जो chronologist से, it means कि वो research on a human body, old human body. And the last one is a traveler, या फिर जो भी वहाँ पर जो traveler से, ये जो तीनों एलिमेंट्स है उनसे हम कैसे हमारी जो हिस्ट्री है वो जान सकते हैं, या फिर अगर आप उनसे हमारी हिस्ट्री जानते हैं तो वो क्या ट्रूथफुल है कि नहीं, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आपको सोचना है. एंड नाउ नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू नो आवर हिस्ट्री लाइक पॉटरी एंड मेटल वेसल्स? हम जो हमारी हिस्ट्री है वो क्या पॉटरी या फिर जो मेटल वेसल से उसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, वी कैन यूज पॉटरी एंड वेसल्स टू नो आउट आवर हिस्ट्री, बिकॉज दिस शोज द जनरेशन ऑफ एंशियंट टाइम्स, बिकॉज आवर एंशियंट टाइम्स डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ओल्ड स्टोन एज, फार्मो एज एंड मॉडर्न एज. नाउ वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोन एज means the where the people do not know that what they should have to eat, which type of the clothes they wore and where they have to live. But in a second age, means a former age, they started their profession, they started to eat grains or vegetables, or they started to live in a pakka houses. So throughout the pottery and metals, we know that they living style would be increased or in a financial matter. So yes, we can use this pottery and metal vessels, because in a starting age they use the vessels which were made from the sand, but next they used to build their vessels and they made their vessels from the metals. It means that their generation is increased. And पोटरे मीन्स की उन्होंने पोटरे भी स्टार्ट कर दी, खड़े बनाना भी स्टार्ट कर दिया, एंड विच शोज देयर डेवलपमेंट.
So here we can say that yes, we can use this both of the elements. And here our chapter is end, and now we are going to solve some of the questions, and you have to answer this question from this video or use the textbook provided by your family. So after clear this chapter and understanding the all reliable sources in the institution which provide us the reliable sources, now we are going to move on the question of this chapter. So you have to write this answer in your own words, or if you are not getting understand, then use textbook to write down this answer. In which our first question, what are sources of history? History generally concept sources. So as you know that there are reliable sources and a common sources like a seal, then an idol, means ki jo murtiya hai, fifth old buildings, then stamp, then our four reliable sources mean talpatras, pushpatras, inscriptions, then vessels, ornaments, etc. These all are our sources by which we can get information related to our ancient history. Now our second question is, what is talpatra, what is pushpatras, what is inscriptions, and what is the meaning of archives? So in which, first one, what is talpatras? So talpatras are made from a skin of a tree named palm tree. पाम ट्री की स्किन के ऊपर जो हम लिखा करते हैं उसको हम कहते हैं ताजपत्रस। देन पुष्पत्रस, पुष्पत्रस मीन्स आर मेड फ्रॉम अ स्किन ऑफ ए ट्री नेम पोज ट्री। पोज की जो पोज का जो पेड़ है उसकी खाल के ऊपर जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं। Now inscription. What is inscription? So inscription means a carving method which one was attached on stone or metal. Stone के ऊपर जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं inscriptions. Carving on stone or metal. And last one is archives. So what is archives? So archives means a place where you can store historical records. जहाँ पर आप historical records को store करते हो, preserve करते हो, उस जगह को कहते हैं archives. So here we have already written down the four definition of the second question. Now moving on third question. What is millennium gallery? Millennium gallery yani kya? This is a time period which is became very famous. It means in December 2000 most of the newspapers have published incidents and events, with photographs and articles.
became very famous as Vilenia Gallery. A time period where a newspaper had published the most of the interiors and images with photographs and articles, and because of this period known as Millennium Gallery. Now our last question is, where is National Archives located? So National Archives है वो कहाँ पर located है? So we know that our National Archives located at Delhi. इन्फॉर्मेशन अबाउट द तालपत्रास एंड भोजपत्रास एंड अबाउट द प्रिजर्वेशन स्टोरेज एंड रेकॉर्ड्स. इन दिस अवर आंसर एंड द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वॉज श्री हेमचंद्राचार्य. हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी विच इज लोकेटेड इन पाटन नॉर्थ गुजरात. दिस इज द वन ऑफ द वन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अस सच अ रिलायबल सोर्सेस लाइक इन विच वी हैड ऑलरेडी सीन द रेकॉर्ड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड द रेकॉर्ड्स ऑफ वन प्लेसेस विच इज नोन एज आर्चिव्स. After this institution, the second institution, name was Indology Institution, which one is located in Navarangpura. Navarangpura, Ahmedabad. These all are private institutions, not a government, located in Gujarat. Now, our third institution, tribal institution. Tribal institution, Gujarat Vidyapeeth. And which is located in Gandhinagar. And our last institution, Mahavir Jain Aradhana Kendra. Which is located in Koba, Gandhinagar. Third institution was located in Ahmedabad. So these are the four institutions which provide us such a information related our all reliable sources. So in this chapter we learn about the sources of history by which we can know about our past life or the lifestyle of ancient people and their generation gap and their period. After this we are moving on our next chapter, which is related about the maps, and for that you must have the information about this chapter and you have to focus on these questions.